नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहाचार्य समाज शास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बी ए सेकेंड ईयर के सोशोलॉजी में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे इंटरव्यू साक्षात्कार, उसमें अपन ने साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किया था। उसके बाद अपन ने सांस्कृतिक साक्षात्कार की विशेषताओं के बारे में मैंने बताया था आपको, साक्षात्कार के उद्देश्य, साक्षात्कार के प्रकार और साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण। और उसके बाद अपन ने देखा कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार ये अपन ने पढ़ा था। अब आज अपन पढ़ेंगे साक्षात्कार के प्रकार के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में। आज अपन देखेंगे कि साक्षात्कार की क्या प्रक्रिया हो सकती है और किन किन चरणों से होकर वह गुजरता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार का व्यवस्थित संचालन एक जटिल प्रक्रिया है। साक्षात्कार के संचालन के संबंध में बहुत से विद्वानों ने लिखा है, जिनमें से हर्बर्ट हाइमेन, विंगम, वाल्टर ए मूर, ओल्डफोल्ड, वेनलैंड एवं गोस, रोजर्स, स्टेजली आदि के नाम से सबसे उल्लेखनीय माने जाते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार की प्रक्रिया, तकनीकी व समस्याओं आदि के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। अब जब अपन इसको टेबल के माध्यम से एक समझने का प्रयास करते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के क्या चरण हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी प्रिपरेशन करते हैं, जिसको अपन प्रारंभिक तैयारी कहते हैं, और दूसरा है इसका साक्षात्कार की प्रक्रिया, और तीसरा जो है साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारंभिक तैयारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले समस्या की पूर्ण जानकारी। हमेशा सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब अपने अनुसंधान की बात करता है तो सबसे पहले उसको उसका समस्या की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, और दूसरा सूचनादाताओं के बारे में जानकारी। अर्थात जब आपको समस्या की पूरी जानकारी हो जाती है तो ये समस्या का क्षेत्र कौन सा होगा, आपके सूचनादाता कौन होंगे, उसकी जानकारी आपको क्लियर कट हो जानी चाहिए। तीसरी बात करते हैं साक्षात्कारदाताओं का उपयुक्त चुनाव। जो भी हम लोग निदर्शन के माध्यम से हमारे उत्तरदाताओं का चयन करते हैं, उनका उपयुक्त चुनाव हमें कर लेना चाहिए, ताकि हमारा अध्ययन एक उस पद्धति से, नियमित पद्धति से प्रारंभ हो सके। तो नेक्स्ट है समय व स्थान का निर्धारण, क्योंकि साक्षात्कार की प्रक्रिया में यह बहुत आवश्यक है कि किस समय और किस स्थान पर आप साक्षात्कार लेंगे, इसका आपको निर्धारण पूर्व में करने की आवश्यकता रहती है। साक्षात्कार यंत्रों की रचना, अर्थात जिसमें आपको शेड्यूल है, साक्षात्कार अनुसूची है, जैसे ऑब्जेक्टिव है आपके, है ना, इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह, ये जितने भी स्टडी टूल्स होते हैं वो आपको पहले निर्माण कर लेना चाहिए। साक्षात्कार यंत्रों के में दो, एक तो साक्षात्कार निर्देशिका और साक्षात्कार अनुसूची इसके अंतर्गत होती है। दूसरी बात जो होती है साक्षात्कार की प्रक्रिया। साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं सूचनादाताओं से संपर्क। नेक्स्ट प्रयोजन का स्पष्टीकरण। जब हमारे उत्तरदाता हमारे सामने आते हैं तो हमें हमारा प्रयोजन जो है, हमारा जो उद्देश्य है, उनके सामने स्पष्ट रूप से रख देने की आवश्यकता है और उसे सहयोग करने की अपेक्षा करनी चाहिए। और नेक्स्ट है साक्षात्कार का प्रारंभ। अब जब हम लोग साक्षात्कार का प्रारंभ करते हैं और उसके बाद उत्तर के लिए प्रोत्साहन, हमें उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। कई बार प्रश्नों
के उत्तर को निकलवाने की भी जरूरत होती है, वो संकोचवश या और किन्हीं कारणों से उत्तरों को प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। नेक्स्ट है क्रोधित होने से बचा। कई प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे वो क्रोधित हो सकता है, जो जाति के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, इकोनॉमिकली हो सकते हैं, परिवार संबंधी हो सकते हैं या उसको इंडिविजुअल संबंधी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों जब पूछते हैं तो उनका स्वरूप थोड़ा बदल कर या उन्हें समझाते हुए उन प्रश्नों का निर्माण हमें करने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है उचित एवं समयानुसार प्रश्न। समय को भी देख लेना चाहिए कि अब ये प्रश्न पूछने का उचित समय है या नहीं है। संतुलन बनाए रखना, कुछ सामान्य बातें और सूचनाओं का आलेखन इत्यादि हमें इस प्रकार से करना चाहिए। तीसरा जो है साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन। इसमें तीन प्रकार की चीजें आती हैं, उसमें साक्षात्कार की समाप्ति, आलेखन और साक्षात्कार का प्रतिवेदन इत्यादि। ये इस प्रकार से प्रक्रिया हमारे सामने आती है। जॉन मेज के अनुसार, जो कि आपको टेबल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और ये टेबल आप बना लें अपनी कॉपी में ताकि इसको बहुत आसानी से समझ सके। इसी को आगे कंटिन्यूशन में करते हुए जॉन मेज ने साक्षात्कार अभियान को सामान्यतः तीन चरणों में गुजरते रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण एक स्पष्ट केंद्रीय उद्देश्य की ओर संकेत करता है। एक संपूर्ण साक्षात्कार की के प्रमुख चरणों को हम लोग इस प्रकार देखते हैं। पहली प्रारंभिक तैयारी, दूसरा साक्षात्कारकर्ता का संकलन, और तीसरा सत्यापन एवं प्रतिवेदन। पहली चीज आती है हमारी प्रारंभिक तैयारी। साक्षात्कार द्वारा क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता जिस समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करना चाहता है उसे उसकी पूर्ण अनुसंधानकर्ता को वास्तविक साक्षात्कार के लिए जाने से पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसकी तैयारी में हमें निम्न बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला, समस्या की पूर्ण जानकारी, जैसा कि मैंने टेबल में भी आपको बताया था। साक्षात करने से पहले अनुसंधानकर्ता को अपनी अनुसंधान समस्या के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए तथा समस्या के विभिन्न पक्षों एवं पहलुओं पर पहले से ही सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि जितना समय उसे मिल पाए उसमें वह केवल संबंधित सूचनाएं संकलित कर सके। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका एवं अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है तथा साक्षात्कार के समय अनेक प्रश्नों, वाद विवादों का भी सामना करना पड़ता है। उसे अपनी समस्या, उसके विभिन्न पक्षों तथा महत्व को अपने सूचनादाताओं के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए। दूसरा जो बात करते हैं कि सूचनादाताओं के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्पोंडेंट्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें किनसे जानकारी प्राप्त करनी है। तो साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, उनके निवास स्थान, व्यवसाय स्वभाव, अवकाश तथा मिलने के समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सूचनादाताओं की प्रकृति, विचार और संस्कृति, जाति एवं सामाजिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाना चाहिए। ये सभी बातें जानना साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में गुडे एवं हार्ट ने लिखते हैं कि उसे, अर्थात साक्षात्कारकर्ता को, याद रखना चाहिए कि उन्हें सूचनादाताओं को भली प्रकार समझ लिया गया हो, तब ही वह उत्तरदाता को साक्षात्कार देने के लिए जोर देता है। श्रीमती यंग के अनुसार उपयुक्त समय तथा स्थान चुने जाने के लिए साक्षात्कारदाता की दिनचर्या का कुछ पूर्व ज्ञान भी आवश्यक है, ताकि वह किस समय मिल सके और हमें हमारे प्रश्नों का जवाब मिल सके, क्योंकि हमेशा उत्तरदाता की सुविधाओं का ध्यान रखने की
बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो सारा अनुसंधान का जो दारमदार है वो उत्तरदाता के ऊपर भी निर्भर करता है। साक्षात्कारदाताओं का उपयुक्त चुनाव, साक्षात्कारदाताओं का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अध्ययन की सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यही होते हैं। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अनुभवी अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें, जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं दे सके। सूचनादाताओं की संख्या, उपलब्ध समय एवं साधनों को ध्यान में रखकर निश्चित की जानी चाहिए। MH गोपाल के अनुसार साक्षात्कारदाताओं को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि पहला उच्चाधिकारी, दूसरा विशेष जानकार अथवा विशेषज्ञ, तीसरा सामान्य व्यक्ति। समय एवं स्थान का निर्धारण, श्रीमती यंग बताते हैं कि उसे साक्षात्कारकर्ता को एक उचित समय तथा स्थान भी इसलिए चुन लेना चाहिए ताकि जैसे ही वह अपना नाम देता है शीघ्र ही पहचाना जा सके। ऐसा स्थान सर्वोत्तम स्रोत है जहां ये विश्वास हो कि साक्षात्कारदाता सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकेगा। पढ़े लिखे सूचनादाताओं के समय तथा स्थान की पूर्व नियुक्ति परिचय पत्र भेजकर प्राप्त कर लेनी चाहिए। उचित समय व स्थान का निर्धारण साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। ऐसे स्थान सर्वोत्तम रहते हैं जो साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत हो। साथ ही इस विषय में गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। धन, समय एवं श्रम की बचत के लिए स्थान व समय का चुनाव आवश्यक है। साक्षात्कार यंत्रों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरव्यू टूल्स। साक्षात्कार के संचालन के लिए प्रमुख रूप से 2 यंत्रों की रचना की जाती है। पहला अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, इनकी रचना बहुत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। इनकी तैयारी का सही तथा पर्याप्त सूचनाएं मिलना आधारित होता है। अब साक्षात्कार निर्देशिका क्या चीज है? इंटरव्यू, जिसको इंटरव्यू गाइड भी कह सकते हैं, यह एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। इसमें केवल संक्षिप्त अथवा टिप्पणी, हिंट्स के रूप से पद्धति समस्या के विभिन्न पक्षों तथा सूचनादाता से जानकारी प्राप्त करने के लिए शीर्षकों तथा उपशीर्षकों के रूप में आवश्यक निर्देश लिखे रहते हैं। फुटनोट में आवश्यकता अनुसार विभिन्न इकाइयों एवं कठिन शब्दों की उचित परिभाषा भी होती है। गुडे तथा हार्ट ने इसके बारे में लिखा है कि साक्षात्कार एक पद प्रदर्शिका ऐसे शोध प्रसंगों अथवा विषयों की एक सूची होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों के क्रम, भाषा तथा तरीके की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अनिर्दिष्ट और अनौपचारिक साक्षात्कार में इनका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। साक्षात्कार निर्देशिका एक मार्गदर्शक होती है। इसमें समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निर्मित होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता की पूर्ण योजना का विवरण होता है। पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियों एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। इससे हमें निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला, इससे अध्ययन में एकरूपता आती है। दूसरा, यह अध्ययन के प्रधान तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह विभिन्न साक्षात्कारों द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में सहायक है। साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता है। इसमें अध्ययन में क्रमबद्धता आती है। निर्मित उपकल्पना के आधार पर आवश्यक सामग्री का संग्रहण भी किया जाता है। विशिष्ट सामग्री के ठोस तथ्यों का संग्रहण करने में मदद मिल सकती है। तब तक के लिए नमस्कार। कल अपन पढ़ेंगे साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।